बहुत ही जल्द सूर्य देवता को समर्पित चार दिवसीय त्यौहार छठ पूजा शुरू होने को है। इसमें जो व्रती होती हैं वो 36 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं। इस पर्व को भारत के अलग अलग हिस्सों में बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। नदी या जलाशय में डुबकी लगाकर सूर्य देवता की प्रार्थना की जाती है। इस पर्व में छठ पूजा की इस अवधि के दौरान भक्त जो है सूर्य देवता को अर्घ देते हैं और श्रद्धा भाव से सूर्य देव की पूजा करते हैं। पूरे देश में छठ पूजा के चार दिवसीय उत्सव की अवधि के दौरान अनुष्ठान किए जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको छठ पूजा के चारों दिन के महत्व के बारे में विस्तार से बताऊंगी। छठ पूजा को प्रतिहार, डाला छठ, छठी और सूर्य षष्ठी के रूप में भी जाना जाता है। मुख्य रूप से ये पर्व सूर्य देव की उपासना के लिए मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये व्रत करने से सूर्य देव की कृपा पूरी फैमिली पर रहती है, पूरी फैमिली को मिलती है। ये व्रत संतान के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए भी किया जाता है। पहले दिन को नहाए खाए कहते हैं, यानी छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए के रूप में जाना जाता है। इस दिन एक पारंपरिक भोजन तैयार किया जाता है और इसे भोग के रूप में परोसा जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई करके छठ के व्रती जो है वो स्थान पे अपने जहां वो उनको फास्ट करना होता है शाकाहारी भोजन तैयार करती हैं, यानी उसमें लहसुन प्याज तक नहीं डालती हैं, उसे खाती हैं। और इस दिन व्रती खाने में चावल, चने की दाल, लौकी की सब्जी और मूली खाती हैं। दूसरा दिन होता है खरना का। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना में महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। ये व्रत सूर्योदय से शुरू हो जाता है और सूर्यास्त तक चलता है। छठ व्रती सूर्य की पूजा जो है करने के बाद ही शाम को उपवास तोड़ती हैं। मुख्य रूप से प्रसाद के रूप में गुड़ से बनी खीर, घी, चुपड़ी, रोटी, फल, ये सारी चीजें होती हैं। पहले व्रती खाती हैं, फिर परिवारजन प्रसाद के तौर पे ग्रहण करते हैं। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ का। इस त्यौहार के सबसे महत्वपूर्ण दिन के रूप में से मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं एक दिन का उपवास रखती हैं और अगले दिन सूर्यास्त के बाद ही से तोड़ती हैं। व्रत रखने वाले दिन भर दलिया या सूप में कई प्रकार के फल, ठेकुआ, चावल का लड्डू, ये सारी चीजें लेकर संध्या काल में बहते हुए पानी जैसे कि तालाब, नदी में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते हैं और परिवार के सभी लोग मिलकर सूर्य देव को अर्घ देते हैं। तो ये संध्या अर्घ हो गया। चौथा और आखिरी दिन होता है उषा अर्घ, जिसे सुबह का अर्घ भी कहते हैं। ये अंतिम दिन होता है। इस दिन भक्त जो है उगते हुए सूर्य की प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि उषा सूर्य देव की पत्नी है। लोग सूर्योदय के समय पूजा करते हैं और फिर अपना उपवास तोड़ते हैं। छठ व्रती को सूर्य उगने से पहले ही फिर से उसी तालाब जहां पे वो उन्होंने शाम के समय अर्घ दिया था, उसी तालाब या नदी पर जाना होता है जहां वे तीसरे दिन गए होते हैं। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना की जाती है। परिवार के अन्य सदस्य भी व्रती के साथ सूर्य देव को अर्घ देते हैं। तो मैंने आपको इस छोटी सी वीडियो में बताया कि चार दिवसीय त्यौहार जिसे छठ पूजा कहा जाता है, जो भारत के जो है उत्तर भारत की तरफ, बिहार की तरफ मनाते हैं, उसमें कौन कौन सा दिन होता है और उस दिन क्या क्या किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो कॉमेंट सेक्शन में जाइए और छठ माता का नाम टाइप कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही किसी फेस्टिवल के बारे में या फिर किसी ट्रांसिट के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।